इस लेक्चर में एफसीए में मॉक एमटीक्यूज में से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एंट्रीज का ये क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड क्या है। बीइंग अकाउंटेंट और मिस्टर आबिद प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजेक्शन। तो मटेरियल, लेबर और एफओएच की इसमें एंट्रीज हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक मैंने डिटेल वर्जन में एक एंट्रीज का क्वेश्चन करके एक अपलोड कर दी हुई है वीडियो। तो इसमें मैंने टी अकाउंट भी बताया है, बनाना भी सिखाया और बताया कि पहले इंट्रीज होती हैं, वो इंट्रीज जो टी अकाउंट में फिर किस तरह से जारी होती हैं, वही इंट्रीज वर्क इन प्रोसेस में किस तरह से चार्ज होती हैं कॉस्ट, और एफओएच में कौन सी कॉस्ट चार्ज हो रही होती है। तो इस वीडियो को लाजमी देख लें अगर डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिस्टर आबिद इज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, इंक्रीज करनी है, फिर इसका मैं जो सजेस्टेड सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको भी दिखाऊंगा कि पेपर में किस तरीके से इंक्रीज हमें सेलेक्ट करनी होगी। आप पेपर रफ वर्क में तो कर लेंगे, जो कॉपी दी हुई होती है, पेजेस दिए हुए होते हैं उसमें तो इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन उसको फिर जो एमटीक्यूज में सॉल्व किस तरह से करना है वो भी बताऊंगा। तो मिस्टर आबिद इज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ ऑटो पार्ट्स फॉर विच He has no proper accounting system. Abid has now decided to keep update records of all transactions from January 17 onwards. The following transaction incurred in the month of January 17. तो line wise करते हैं, transactions particulars दिए हुए होंगे यहाँ पे। अगर डेट दी हुई होती तो डेट का भी हम बना लेते हैं, और ये साइड डेबिट हो जाएगी और ये साइड क्रेडिट हो जाएगी। तो नंबर वन पे जो एंट्री है उसको देखते हैं, क्या कह रहे हैं कि मटेरियल परचेज किया है 500,000 का। तो जब मटेरियल परचेज होता है तो मटेरियल अकाउंट, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है और पेबल हमारा क्रेडिट हो जाता है। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। तो अमाउंट है 500,000 की, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड एंट्री क्या है, मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में मटेरियल हुआ क्या है कि ये हमने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, ठीक है, फिर वो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो वर्क इन प्रोसेस में चल जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो एफओएच में चले जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल की क्या एंट्री हो जाएगी, वर्क इन प्रोसेस जो में डायरेक्ट मटेरियल चला जाएगा और एफओएच में इनडायरेक्ट मटेरियल चला जाएगा, और जो ये मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो हमने डेबिट किया हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ जो चीज़ डेबिट की थी वो क्रेडिट होके खत्म हो गई, सारा हमने चार्ज करा दिया। सारा नहीं, 5 लाख का परचेज किया था जिसमें से 3 लाख का चार्ज हुआ है, तो 2 लाख का अभी भी क्लोजिंग वगैरह में आ रहा होगा, उसका एंट्री नहीं करनी। तो अगर टी अकाउंट बना रहे होते तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस में आ रहा होता। खैर, वर्क इन प्रोसेस में 200,000 का आया, एफओएच में 100,000 का आया, तो टोटल 3 लाख की अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 3 पे एंट्री देखते हैं। ग्रॉस पेरोल फॉर द मंथ वॉज ₹2 मिलियन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल वॉज 50%। अच्छा, ये आगे पर वो डिस्ट्रीब्यूशन बताएगी, पहले ग्रॉस पेरोल की एंट्री कर लेते हैं। पेरोल एक्सपेंस डेबिट, पेरोल पेएबल क्रेडिट, ये हमने एवरेज लेबर की एंट्री कर दी, कितने से है, 2 मिलियन से। फिर थर्ड नंबर पे ही एक एंट्री बन जाएगी, जैसे ही हमने चार्ज कराया है इसी तरह से एक्सपेंस को चार्ज करा लेंगे। कितने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल वॉज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो वर्क इन प्रोसेस में चले जाएगा डायरेक्ट लेबर, जैसे ऊपर भी गया था मटेरियल के केस में। और एफओएच में चले जाएगा इनडायरेक्ट लेबर,
तो कितना बता रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल वॉज 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो पेरोल एक्सपेंस 2 मिलियन का था, इसका 50% जो है वो डायरेक्ट है। फिर 20% ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, जो हमारा एक्सपेंस था इसका 20% जो है वो इनडायरेक्ट है। उसके बाद 20% एडमिन स्टाफ सैलरीज, तो एडमिन वगैरह में कितना जाएगा, 20%, 2 मिलियन का 20%, और 10% सेल्स स्टाफ सैलरीज, सेल्स स्टाफ सैलरीज कितना चले जाएगा, 10%। तो जो हमारा एक्सपेंस था उसका 10% यहाँ पे आ जाएगा, और पेरोल एक्सपेंस जो डेबिट हुआ था वो सब चार्ज होके क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे, पेरोल एक्सपेंस सारा खत्म हो जाएगा वो था, इन सबको ऐड कर लेंगे तो वही 2 मिलियन की अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरह से ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रॉस पेरोल ऑफ 2 मिलियन वॉज पेड टू एम्प्लॉयज। तो नंबर 4 पे कह रहे हैं कि जो पेरोल पेबल पड़ा हुआ है हमारे पास, इसको खत्म कर दो। पेरोल पेबल डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, तो वो कितने से पेरोल पेबल पड़ा हुआ था, 2 मिलियन से। तो ये हमने पहले क्रेडिट हुआ हुआ था वो, अब हमने डेबिट करके उसको खत्म कर दिया। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ वॉज 8 लाख। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हुए तो FOH डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, कुछ हमने खर्चे किए हैं कैश या बैंक कुछ भी क्रेडिट हो जाएगा। तो कितने खर्चे किए हमने, 8 लाख के। जैसे यहाँ पे FOH डेबिट हो रहा था, इसी तरीके से एक और FOH अदर के नाम से डेबिट हो रहा है, जो कि है 8 लाख से। ये हो गई। उसके बाद नंबर 6 पे है, फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड टू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ वर 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो जिस तरीके से हमने डायरेक्ट मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में चार्ज कराया, लेबर को फिर हमने वर्क इन प्रोसेस में चार्ज कराया डायरेक्ट लेबर को, इसी तरीके से जो FOH है वो अप्लाइड FOH को हम वर्क इन प्रोसेस में चार्ज करा देते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट अप्लाइड FOH की वजह से, अप्लाइड FOH, यहाँ पे मैंने अप्लाइड इसलिए साथ में लिख दिया है कि ये वाला FOH को इससे कंपेयर नहीं करना, इन FOH से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ये एक्चुअल FOH है, ये वाला अप्लाइड FOH है, इसलिए मैंने अप्लाइड साथ में लिख दिया है। तो अमाउंट कितनी है, 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना था, ये रहा, ये है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसका 80%। तो इस तरह से ये अमाउंट आ गई। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द मंथ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर एट ₹15 लाख। तो सेवन कर लेते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होके फिनिश गुड्स में चले जाएंगे, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ से वर्क इन प्रोसेस में जो जो चीज़ें आ रही थी ये हमने मैन्युफैक्चर करी, ठीक है, और वो कंप्लीट होके कहाँ चली गई, फिनिश गुड्स में, कितने की, 15 लाख की। अगेन इस क्वेश्चन को मैं टी अकाउंट के थ्रू नहीं समझा रहा क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर किसी को डिटेल वर्जन में समझना है तो वो इस वीडियो को लाजमी देख ले और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले, क्योंकि ये लाजमी क्वेश्चन एक 10 मार्क्स का आ ही रहा होता है पेपर में एंट्रीज का। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इजिली 10 मार्क्स इसमें से गेन कर सकते हैं अगर ये कुछ बेसिक चीजें पता हो बिल्कुल। नेक्स्ट है, ये हमने फिनिश गुड्स की एंट्री कर ली। उसके बाद है, गुड्स कॉस्टिंग ₹1 मिलियन वर सोल्ड फॉर 1.2 मिलियन की। तो नंबर 8 पे एंट्री बन जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट,
कितने से सोल्ड हुई है? 12 लाख से। ठीक और इसी के साथ एक और एंट्री बन जाएगी, COGS डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन से। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने सेल्स की एंट्री कर दी और जो ये उसकी कॉस्ट से हमने एंट्री कर दी, तो ये सारी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि अप्लाइड को एफओएस से कंपेयर करने की। अगर यहाँ पे मैं एक एंट्री करूँ कि हमारे पास जो एफओएच जो, हाँ ये रहे, अप्लाइड एफओएच कितने आए थे हमारे पास, अप्लाइड एफओएच जो के वर्क इन प्रोसेस में जाके चार्ज हुए थे, वो कितने के थे? अप्लाइड एफओएच की जो अमाउंट थी वो थी 8 लाख की, ठीक है। और हमारे पास एक्चुअल एफओएच कितने के थे, ये क्रेडिट हो रहे हैं, एक्चुअल एफओएच क्रेडिट हो रहे हैं, वो कितने के थे उनको देखते हैं। तो एचुअल एफओएच एक तो 8 लाख के हैं, ठीक है, और डेबिट कौन कितने हो रहे हैं, ये 4 लाख के, और डेबिट कितना हो रहा है एफओएच, 1 लाख का। टोटल एफओएच आ गए 13 के, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास क्योंकि डेबिट साइड पे आ रहा है, मतलब कस्टमर से जो हमने चार्ज किया, अप्लाइड एफओएच क्या होते हैं, जो कस्टमर से हमने रिकवर किए 8 लाख रुपए हमने कस्टमर से रिकवर किए, जबकि एक्चुअल खर्चा जो था हमारा 13 लाख का हो गया था, तो 5 लाख हमारे पास लॉस आ गया। खैर ये एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है क्वेश्चन में, एक ऐसी नॉलेज के लिए बताइए कि अगर पेपर में आ जाए तो वो इस तरह से होती है, अप्लाइड एफओएच डेबिट हो जाएगा, एक्चुअल एफओएच क्रेडिट हो जाएगा, और जो डिफरेंस आ रहा होगा वो या तो गेन आ रहा होगा या लॉस आ रहा होगा। डेबिट साइड पे आ रहा है तो मतलब लॉस आ रहा है, तो लॉस कैसे आ रहा है कि कितना हमने रिकवर किया 8 लाख और खर्चा कितना हो गया 13 लाख का, तो कम रिकवर किया कस्टमर से, तो कितना कम रिकवर किया 5 लाख का। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसी क्वेश्चन को मैं कंपेयर कराता हूँ कि पेपर में कैसे करना है। तो रखते हैं यहाँ, तो पेपर में क्या होगा, इसी तरीके से कॉलम बना हुआ होगा डेबिट क्रेडिट का, जैसे हमने बनाया पर्टिकुलर्स होंगे। तो अब यहाँ क्या हुआ, ये एक एंट्री कर ली पेज पे 5 लाख की, फिर यहाँ से हमने किया, यहाँ से सेलेक्ट किया मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को हमने डेबिट किया था, पेबल को हमने अकाउंट पेबल को क्रेडिट किया था 5 लाख से। नेक्स्ट एंट्री वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएस डेबिट और मटेरियल इशूड क्रेडिट 3 लाख से, ये भी 3 लाख से, 2 लाख और 1 लाख से डेबिट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पेरोल एक्सपेंस हमने डेबिट किया और पेरोल पेबल को क्रेडिट किया 2 लाख से, यहाँ पे भी पेरोल एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड या पेरोल पेबल एक ही चीज होती है, वो क्रेडिट 2 लाख से। नेक्स्ट है उसके बाद हमने क्या किया, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएस डेबिट, एडमिन सेल्स स्टाफ सैलरीज, एडमिन सैलरीज, ये सब डेबिट करके पेरोल एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे भी इन्होंने यही सेलेक्ट करेंगे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएस डेबिट, एडमिन की सैलरीज और सेल्स की सैलरीज डेबिट और एक्रूड पेरोल क्रेडिट 2 लाख से, ये सारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट हमने क्या किया, पेरोल पेबल या एक्रूड पेबल को डेबिट और कैश क्रेडिट 2 लाख से, 2 मिलियन से, तो एक्रूड पेरोल डेबिट और बैंक क्रेडिट 2 मिलियन से। नेक्स्ट है एफओएच डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट 8 लाख से, तो एफओएच डेबिट और अकाउंट पेबल को, अच्छा यहाँ पे इन्होंने अकाउंट पेबल को क्रेडिट किया, क्रेडिट पे लेके चल रहे हैं तो हम भी अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर देते हैं, अगर कैश में पेमेंट हुई भी होती तो कैश या बैंक क्रेडिट हो जाता, पेबल क्रेडिट कर दिया हमने भी। तो पेबल क्रेडिट तो 2 मिलियन से, अच्छा गलत जगह लिख दिया,
तो नेक्स्ट एंट्री है वर्क इन प्रोसेस डेबिट और अप्लाइड एफओएच क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, अप्लाइड एफओएच क्रेडिट 8 लाख से, 8 लाख से। फिर है फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 15 लाख से। तो फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 15 लाख से। फिर है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 12 से, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीवेबल डेबिट और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट 1 मिलियन से। तो यहाँ पे भी हमने ये किया, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री ये कौन सी है? यही वाली है जो कि कंप्लीट हुई थी, फिनिश गुड्स वाली। तो सेम चीज ही है ये, इसके साथ में लिख देते हैं फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो इस तरीके से पेपर में ये सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। तो होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो बाकी अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये डिटेल लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कुछ भी चीज़, लेकिन इस क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर करें, 10 मार्क्स इजीली गेन हो सकते हैं।